नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। आज होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के सोमवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझान में विपक्षी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने राज्य में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट पर बढ़त बना ली है। मिजोरम में मतगणना रविवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ होनी थी। हालांकि राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, चर्च और छात्र संगठनों की अपील के बाद निर्वाचन आयोग ने इसे स्थगित कर दिया, क्योंकि रविवार का दिन ईसाई बहुल मिजोरम के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। मिजोरम विधानसभा के लिए मतदान 7 नवंबर को हुआ था और राज्य के 8,57,000 मतदाताओं में से 80% से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मिजोरम विधानसभा चुनाव के मतगणना के पहले राउंड की गिनती के बाद मुख्यमंत्री जोरमथांगा आइजोल पूर्व वन सीट पर ZPM उम्मीदवार लालथन सांगा से पीछे चल रहे हैं। जोरमथांगा को 3,074 वोट मिले, जबकि लालथन सांगा को 3,714 वोट मिले हैं। वहीं बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आर लाल थंग लियाना दक्षिण तुई पुई सीट पर पीछे चल रहे हैं और ZPM उम्मीदवार JJ लाल पेख लुआ आगे चल रहे हैं। वहीं ZPM के CM उम्मीदवार लाल दुहोमा सैरछिप सीट पर आगे चल रहे हैं।